Hi everyone. So, how are you? I hope that all of you are doing well. तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. हालांकि हमारा जो लास्ट चैप्टर था आप लोगों को लगा होगा काफी लंबा है. सर ने 23 वीडियोस हमने बनाए हैं उस पे. पर बच्चों मेरा ये मानना है कि अगर हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है. हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम अपना कंसेप्ट को साइड में रखें और आगे बढ़ते जाएं. तो मेरा ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि ज्यादा वीडियोस बन रहे हैं, ज्यादा है, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी हमेशा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. पर जिन बच्चों को कहीं कोई छोटे से कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम है, तो मेरा ये हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं उसका वो कंसेप्ट जो है और स्ट्रॉन्ग कर पाऊं. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. आज के जो टॉपिक मैं लेके आया हूं आपके लिए वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस. अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पहले डिस्कस करें और पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो पहले डिस्कस करें, ये डिफरेंस क्यों हम पहले डिस्कस कर रहे हैं. तो बच्चों इसका ये कारण है कि आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस यही जो है उसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा. और इन्हीं से आगे जाकर के हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी डिफाइन कर पाते हैं. तो ये जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है और यही इसी का ही फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिक्स में है. ओके. जो बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या नीट के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो, और जिनका कंसेप्ट ऑलरेडी ये क्लियर है, तो वो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे वीडियो के एंड में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा रहेगा, तो वीडियो के एंड में मैंने आईआईटी नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं. आप चाहें तो डायरेक्टली वो जाकर के भी आप देख सकते हैं. पर जिन बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो वो इस क्लास को पूरा देखें, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें. इससे आपका कंसेप्ट जो होगा वो बेसिकली हम लोग क्लियर कर पाएंगे. ओके. तो वी शुड स्टार्ट द टॉपिक. तो सबसे पहले बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हम लेते हैं. आगे जाकर के जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्ड का यूज करूंगा तो इन दिस चैप्टर आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके. सो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को पता है क्या होता है. सबसे पहले अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो लेट अस अज्यूम कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है बच्चों और ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पड़ा है. लेट अस से द पॉइंट इज आर और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी एट प्रेजेंट ग्राउंड पर है. अब मैं अगर इसके इस ऑब्जेक्ट को हाइट एच पर लेके जाऊं, कोई हाइट एच पर इसको लिफ्ट करूं, तो मुझे इस पे कुछ फोर्स लगाना पड़ता है. ऑलराइट. वो फोर्स जो होगा वो कहलाता है एक्सटर्नल फोर्स. आप जो फोर्स लगा रहे हो वो कौन सा लगा रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स. बाहर से मैं उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है इस पे. किसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाना पड़ रहा है. इजंट इट? सो देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच इज आल्सो एक्टिंग एंड दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड वट एवर एक्सटर्नल फोर्स आई एम कोटिंग इज अपवर्ड्स. तो मैं एक अपवर्ड एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये मेरे ऑब्जेक्ट को एक हाइट एच पर लेके जा रहा है. इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूं कि ये पॉइंट मेरा आर, ये पॉइंट मेरा पी है, तो इस पॉइंट पी पर लाने पर मुझे कुछ काम करना पड़ता है. आई हैव टू परफॉर्म सम अमाउंट ऑफ वर्क. इजंट इट? तो ये जो वर्क डन होगा, लेट अस से वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम आर टू पी इज गिवन बाय आर पी. सो दिस वर्क डन इज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये जो मैंने काम किया इस ऑब्जेक्ट पे इन लिफ्टिंग इट फ्रॉम टू अ हाइट एच, सो दिस वर्क डन इज फाइनली गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट बॉडी. इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होता है और इसका फॉर्मूला आपको बताइए, इट इज इक्वल टू वॉट? एम जी एच. दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वॉट? एम जी एच. तो बच्चों अगर मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करता हूं तब क्या होगा?
तो ये जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी यहां इस ऑब्जेक्ट में है ये कन्वर्ट होने लगती है काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में फॉल करने लगता है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगेगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगती है और फाइनली जब ये पॉइंट आर पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और क्योंकि हाइट जीरो हो चुकी है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी जीरो। तो इस पॉइंट पे जो भी एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी है और इस पॉइंट पे जो भी एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। इन बिटवीन जितने भी पॉइंट्स आते हैं इस पी से आर तक में, वहां पर मेरी टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। ऑलराइट अच्छा, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों इट इज यू नो दैट प्रोपोर्शनल टू 1/r² इनवर्स स्क्वायर लॉ ये फॉलो करता है क्योंकि आपको मालूम है कि F ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2/r², वो हम लोगों को यूनिवर्सल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ से मालूम पड़ता है। तो ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंट है इसके कारण ये फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स से मेरा मतलब है कि मेरी जो एनर्जी है या मैं बोलूं वर्क डन है, ये वर्क डन डिपेंड कर रहा है इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो थी। फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट पे। इन शॉर्ट अगर यहां से मैं यहां पर कोई भी पाथ फॉलो करके जाऊं, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से कैसे भी पाथ फॉलो करके यहां पर पहुंचूं, तो मुझे ये देखना है कि मेरा इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि मेरा फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसीलिए द पोटेंशियल एनर्जी और आई कैन से द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। अब मैं बात करूं हमारे इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है क्योंकि ये किसके इक्वल है? आपको पता है इट इज इक्वल टू Q1 Q2 k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 / r², जहां k की वैल्यू होती है 1/4πε₀। तो मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी किस तरीके का फोर्स है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस कंजर्वेटिव फोर्स में अगर मैं कुछ काम करता हूं, इफ देर इज सम वर्क विच इज परफॉर्म, देन दैट वर्क विल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द चार्ज। दैट मीन्स वॉट? दैट मीन्स दैट द वर्क डन इन साइड द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स विल ऑल्सो बी पाथ इनडिपेंडेंट। ये आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए सबसे पहले, पाथ इनडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? कि डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द चार्ज। अब ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया है तो अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात कर सकता हूं और उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं और इसी कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं। ये डायग्राम मैं आपके लिए यही रख रहा हूं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को समझने के लिए अज्यूम करते हैं कि मेरे पास ओरिजिन पे एक चार्ज है प्लस क्यू। ये किस जगह पड़ा है? लेट अस से इट इज एट ओरिजिन। ऑलराइट, अब लेट अस ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज। ये कैसा चार्ज है? ये है सोर्स चार्ज। बच्चों सोर्स चार्ज में ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज वो है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कंसिडर करनी है। टेस्ट चार्ज वो है जो टेस्ट कर रहा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, इतना छोटा कि दैट शुड नॉट अफेक्ट द पोजिशन ऑफ द सोर्स चार्ज। तो लेट अस ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज और मैं ये बोलता हूं जैसे मैंने ये आर पॉइंट कंसिडर किया था तो ये पॉइंट भी आर है और यहां पर मेरा टेस्ट चार्ज है क्यू और लेट अस से इट इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ऑलराइट, तो ये पोजीशन है मेरी आर। अब मैं इस टेस्ट चार्ज को
इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ना, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? रिपल्सिव। तो उसकी डायरेक्शन है, जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस पे, उसकी डायरेक्शन है इस तरफ। तो मैं ये बोल दूं मेरे पास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मुझे इस पॉइंट आर से उठा के कोई पॉइंट पी पर मेरे टेस्ट चार्ज को लेके आना है ना, इस डायरेक्शन में मुझे आर से उठा के चार्ज को पी पर लेके आना है, तो उस केस में मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मैं यहां एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था, वैसे ही मुझे इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है एक्सटर्नल फोर्स की? इस तरफ है। ये किसकी डायरेक्शन थी? ये मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन थी। अच्छा, तो क्योंकि मैं यहां से यहां पर लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, अब यहां पर एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझना होगा। लेट अस अज्यूम दैट कि मेरा ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मैग्नीट्यूड, एंड सिंस इट इज अपोजिट तो मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। ये बात आपको समझ आ रही है क्या? ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये ऑलमोस्ट सेम है किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ऑलमोस्ट सेम का मतलब मुझे सिर्फ इतना नेगेजिबल अमाउंट ज्यादा रखना है कि मैं इसको धीरे धीरे उठा करके पी पॉइंट पे पहुंच पाऊं। ऐसा करने का कारण क्या है? ऐसा करने का कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं इसको यहां से यहां तक लाते हुए कुछ अपने फोर्स से इसको एक्सिलरेट कर दूं। That means that मेरे पास में acceleration जो होता है या बोलू मैं net force जो है वो zero होना चाहिए। It is almost equal to zero। ये बात आपको समझ आई? Almost equal to zero का मतलब है कि जो acceleration है, acceleration in this test charge from R to P is almost zero। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब है उसको इनफाइनाइट टाइम लगता है पॉइंट आर से पी तक आने में। इनफाइनाइट टाइम क्यों? क्योंकि दे इतने पास में है, इतने क्लोज हैं कि इस चार्ज को यहां आने पर इनफाइनाइट टाइम लगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फिर ये एक्सिलरेट कर जाएगा, फिर हमारा ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है ये फेल हो जाता है। ये आपको क्लियर होगी बात? सो The acceleration has to be zero. It has to be zero. That means the net force is to be zero. तो इसको कितना time लग रहा है यहां से यहां आने में? Infinite time लगता है, या मैं बोलूं it is moving with infinitely small constant speed from R to P. ये मेरी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, काफी बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इस कंडीशन को आपको याद रखना है। तो मैं इस चार्ज को इस पॉइंट पी पर लेके तो आ रहा हूं, पर उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, एंड सच दैट द एक्सीलरेशन इज ऑलमोस्ट जीरो। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है? तो यह बात आपको समझ आ गई? ओके, मैं रब कर रहा हूं। अब देखो बच्चों, इस पॉइंट आर से पॉइंट पी पर जब मैं लेके आता हूं तो मुझे कुछ काम करना होता है। लेट अस से जैसा मैंने यहां किया था, लेट अस से वो जो काम कर रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम आर टू पी। नाउ दिस वर्क डन इज बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो वो कितना होगा? इट शुड बी इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब आप देखो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो मैं अगर इसमें एक छोटा सा एक पार्ट कंसिडर करूं और इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू डी आर, तो उस केस में ऑब्जेक्ट ये जो चार्ज है ये आर से पी पर लेके आ रहा हूं, तो आई एम ब्रिंगिंग द फोर्स, इंटीग्रेशन कहां से काम कर रहा हूं? आर से पी। एंड व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ये बोलूं फोर्स कौन सा लग रहा है?
आई एम टेकिंग आउट द एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स ई एक्स टी डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां, आर से पी पर। अब अगर ये देखो मैं एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये है, डीआर की डायरेक्शन भी यही है, तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास में कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डीआर कॉस थीटा। अब थीटा कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू होगी जीरो, तो कॉस जीरो, कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन, तो मैं ये हटा दू यहां से, तो मेरे पास में आ गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इनटू डीआर। पर अभी मैंने आपको यह बताया था कि अगर मुझे फाइंड आउट करना हो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो लेट अस से द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय ईएलई। ये EXT क्या बता रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है। अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो हो रहा है, यानी एफ के कारण। तो कहां से कहां जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है आर से पी तक, ऑलराइट, एंड किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, ऑलराइट। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं ये देखूं कि मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये डीआर की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री का, कितना है 180, तो cos 180, cos 180 means what, cos 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, तो मेरे पास में आ जाता है आर टू पी एफ ई डी आर और आगे साइन क्या लगे माइनस का। अभी मैंने आपको ये बताया था कि ये है मेरा नंबर वन, ये है नंबर टू। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मैग्नेट, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो वो मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है, यही बताया था मैंने आपको, दोनों के मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब इस जगह पे मैं अगर ये दोनों आप देखो वन और टू को, तो वन और टू को देखने पे मुझे बस डिफरेंस क्या लग रहा है, ये माइनस साइन का। इसका मतलब व्हाट एवर वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी नेगेटिव ऑफ दैट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये बात क्लियर हो गई, सो आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, इन दोनों को आई कैन राइट इन दिस फॉर्म दैट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स is given by R to P F external dr, which is equal to minus R to P F electric dr, electrostatic force, which is equal to minus of work done by the electrostatic फोर्स। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ओके। अब एनर्जी पे आते हैं, ये जो काम किया मैंने कहां से, आर से पी पर जो हम चार्ज को लेके गए टेस्ट चार्ज को, सो व्हाटएवर अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क वी हैव डन दैट विल बी स्टोर्ड एट पॉइंट पी इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब एक क्वेश्चन है, ये क्यों है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है सब जगह है, इनफाइनाइट तक जाती रहेगी, भले छोटी सी अमाउंट हो पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जरूर है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पॉइंट पर लेट अस अज्यूम कि पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज गिवन बाय यू, द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों को पता है, यू से। सो इस पॉइंट आर पे लेट अस से द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय यू आर, सिमिलरली एट पॉइंट पी द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय यू पी। सो व्हाटएवर अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम आर टू पी विल
बी द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, इसीलिए मैंने वर्ड क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो इस पॉइंट पे उसकी एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी यू आर, इस पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी यू पी, कुछ भी हो, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। व्हाट वी आर बॉदर्ड इज द वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम हियर टू हियर। सो लेट अस से दैट द वर्क डन विच इज गिवन बाय डब्ल्यू आर पी इज द एक्सटर्नल फोर्स, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। सो दिस विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, ये क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसकी डिफरेंस ऑफ द एनर्जी कितनी है फाइनल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी यूपी, माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू आर। तो एक्चुअली ये किसके इक्वल हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हुआ। ये बात आपको समझ आया, और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी हमने, वैल्यू हमारे पास में है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम आर टू पी एफ एक्सटर्नल डी आर, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म्स में देखना है तो माइनस साइन लगा दे, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ई डी आर। तो ये मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को बता रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो हाउ वी कैन डिफाइन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, या मैं सिंपली बोलूं हाउ वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट जीरो एक्सिलरेशन, या हम बोले विदाउट एनी एक्सिलरेशन। ये आपकी हो गई डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सो वी कैन राइट इट डाउन, इसको मैं रब कर देता हूं, तो आप लोगों को समझ आया है, वही कंसेप्ट यूज किया है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैसे डिफाइन कर सकता हूं, आई कैन डिफाइन इट एज द वर्क डन by the external force in moving a unit positive test charge from one point to other in an electric field at zero acceleration, या बोल दें without any acceleration। ये important word है बच्चों, ये word विदाउट एनी एक्सेलेरेशन लिखना बहुत जरूरी है डेफिनेशन में, हम इसको बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से लेके जा रहे हैं, इसलिए विदाउट एक्सेलेरेशन, विदाउट एनी एक्सेलेरेशन वर्ड यूज करना जरूरी है। तो क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, तो फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी इन साइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, ठीक है, विदाउट any acceleration is known as electrostatic potential energy difference. So is called electrostatic, मैं short form में लिख रहा हूं, potential energy difference। ये concept आपको समझ आया, और इसका formula क्या है ये यहां हमने लिख दिया। So UP क्या है, UP है the potential energy at this point, कुछ भी हो जितनी भी है, अगर ये मान लिया जाए कि suppose x प्लस ए है, या फिर ये पोटेंशियल एनर्जी यूपी और यू आर लिया मैंने, इसको मैं यूपी वापस ले लेता हूं, इसमें मान लो आप ए की टर्म इंक्लूड कर लो, मुझे नहीं मालूम कितनी है, इस यू आर में भी आप ए की टर्म इंक्लूड कर लो, यू आर प्लस ए, तो भी इनका जब मैं डिफरेंस करता हूं तो आप ये देखोगे ये ए वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी,
क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, तो फाइनली मेरे को वापस क्या मिलेगा यूपी माइनस यूआर। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यहां जो एनर्जी है वो कैसी भी हो फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका इंपॉर्टेंट है, कितना काम कर रहा हूं मैं उसका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो अब अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, मान लो कि ये कितनी है, ये जो यूपी की वैल्यू है ये कितनी है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूं, तो इसी फॉर्मूले से काम हो जाएगा। कैसे होगा देखो, जब मैं इस पॉइंट आर को दूर ले जा रहा हूं, दूर ले जा रहा हूं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, इतना दूर कि ये जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए, तो वो कहां होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। किस जगह पे होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगी। तो मैं इसको ये बोल दूं कि अगर इस पॉइंट आर को मैं दूर लेके जाऊं और इनफाइनाइट पे जाके रख दूं, अब मेरा पॉइंट आर कहां पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो इस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि ये जो रेंज है फोर्स की वो खत्म हो गई। तो अब मैं यहां पर ही बोलूं कि यहां मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है यू आर विल बी टेंडिंग टू जीरो। वेन इट विल बी टेंडिंग टू जीरो, वेन आर इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, वेन दिस पॉइंट आर इज अप्रोचिंग इंफिनिटी माई पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो अप्रोच टू जीरो। बस अब मेरा काम हो गया। कैसे, क्योंकि अब मैं इस फॉर्मूले में अगर फाइंड आउट करूं वर्क डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट आर विच इज एट इंफिनिटी टू दिस पॉइंट पी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वर्क डन इन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। इन दैट केस फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, यूपी माइनस यू आर, बट यू आर इज टेंडिंग टू वॉट जीरो, तो ये जब जीरो होगा तो इस केस में मेरे पास में क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई यू विच इज एट पॉइंट पी। तो अगर मुझे पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो एक्चुअली मैं एक तरीका अपना रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड आउट कर रहा हूं, पर टेस्ट चार्ज अब मेरा इस पॉइंट आर पर नहीं है, टेस्ट चार्ज को मैं इनफाइनाइट पे ले गया। तो फाइंड आउट क्या कर रहा हूं, फाइंड आउट तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का है, कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सिग्निफिकेंस नहीं होता। मैं फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तरीका क्या है, ये जो पॉइंट आर है इस पॉइंट आर को इंफिनिटी पे रख दो, जब ये पॉइंट आर इंफिनिटी पे होगा तो हमने फाइंड आउट क्या किया है, हमने फाइंड आउट किया है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पर उससे मिल क्या गया हमको, हमको जब इंफिनिटी पे एक पॉइंट रहता है तो हमारे पास में इस पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी उसके बराबर होगी। तो अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को एट पॉइंट पी को डिफाइन कर सकता हूं। सो हाउ आई कैन डिफाइन दैट व्हेन, या मैं बोलू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट पी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सिलरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक
या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट द अमाउंट ऑफ वर्क डन. अच्छा एक पॉइंट और लिख लिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके द्वारा किया गया, एक्सटर्नल फोर्स के कारण. तो वही है डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट पी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज विदाउट एनी एक्सीलरेशन. ये इंपॉर्टेंट है ना, ये मैंने बता दिया आपको, विदाउट एनी एक्सीलरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट. क्लियर है? ठीक है. सो अब दो इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करनी है. तो फर्स्ट, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं पर याद रखना हमेशा, पहली चीज क्या आएगी, दैट नंबर वन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज पाथ इंडिपेंडेंट. सो द पोटेंशियल एनर्जी, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आप लोगों को समझना है. ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. ऑलराइट. सेकेंड, द फिजिकल सिग्निफिकेंस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड नॉट फॉर पोटेंशियल एनर्जी. The second point is the physical significance, significance is for potential energy difference between two points and not for पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट. ये बात आपको समझ आया, क्या इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. उसी का स्पेशल केस होता है जब इंफिनिटी पे बढ़ाओ तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है. तो बच्चों ये कंसेप्ट था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का. ओके, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमको समझ आ गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाते हैं. ठीक है, तो इधर देखो, ये रब कर देते हैं, डायग्राम सब सेम है. देखो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस समझाना जरूरी था क्योंकि इस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से यह पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा. इधर देखो, एक बात समझनी है ना, ध्यान से समझना, मेरा जो वर्क डन है ये डिपेंड कर रहा है कि टेस्ट चार्ज कितना लिया. कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ ई डी आर, ये एफ ई पे डिपेंड कर रहा है, ये प्रोपोर्शनल है किसके, एफ ई के. एफ ई किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली इक्वल होता है क्यू, दैट इज द टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको बताइए. इन शॉर्ट ये Q पे भी डिपेंड कर रहा है. Q क्या था, Q तो मैंने लिया था ना, Q टेस्ट चार्ज हम लोगों ने लिया था हमारी सहूलियत से. अगर ये टेस्ट चार्ज को इंक्रीज कर दूंगा यानी ज्यादा कर दूंगा तो मेरा वर्क डन भी इंक्रीज हो जाएगा. तो मुझे एक ऐसे टर्म चाहिए क्योंकि मुझे ये टेस्ट चार्ज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही डिपेंड करे, कोई भी क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करे क्योंकि सोर्स चार्ज इज द चार्ज विच वी हैव टू स्टडी. टेस्ट चार्ज तो हमने लगाया है तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो डिपेंड करे, जो डिपेंड करे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो डिपेंड नहीं करना चाहिए किस पे, टेस्ट चार्ज पे. तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिपेंड कर रहा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन That is depending on charge Q. तो मैं ये बोल दूं कि my work done was proportional to Q.
ये डिपेंड कर रहा था ना क्यू पे। तो अब अगर मुझे एक ऐसी टर्म चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो इस क्यू से, तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ डिवाइड कर दूं क्यू से। जब मैं क्यू से डिवाइड करूंगा तो ये जो टर्म आ गई ये इंडिपेंडेंट हो गई क्यू से, क्योंकि ये क्यू कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय क्यू किया तो ये क्यू हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंडिपेंडेंट हो गई किसकी, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ओके स्पेलिंग सही, इंडिपेंडेंट होगी किसके, इंडिपेंडेंट ऑन क्यू। अब ये क्यू पे डिपेंड नहीं कर रही, यही टर्म ने वोल्टा एक फिजिसिस्ट थे उसने अपने नाम से इस टर्म को बोला पोटेंशियल। इस टर्म को क्या बोला, पोटेंशियल। क्या किया उसने, वर्क डन को डिवाइड कर दिया टेस्ट चार्ज से, तो जो टर्म आई वही टर्म किसका इन्वेंशन किया, पोटेंशियल का, जिसको सिंबल क्या बनाया V, जो फिजिसिस्ट थे वोल्टा उनके नाम के ऊपर इसको रखा गया। तो ये मेरा क्या बता रहा है, ये मेरा बता रहा है पोटेंशियल। बात समझ आया, नई टर्म इंट्रोड्यूस क्यों करनी पड़ी, क्योंकि आई वॉन्टेड दैट शुड बी अ टर्म विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेस्ट चार्ज, दैट शुड ओनली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, सेम डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। अब आप इसको ऐसे समझो, देखो इधर देखो, यूनिट चार्ज से आप कंफ्यूज हो रहे हो, पर यूनिट चार्ज बोलूं पर यूनिट या पर चार्ज बोलूं क्या बोलना है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। इधर देखो, छोटी सी बात है, बहुत आसानी से समझ आएगी। ये वर्क डन क्या था, ये वर्क डन था मेरे चार्ज, टेस्ट चार्ज Q पे, दिस वॉज अ वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज Q। तो अगर मेरे पास में यूनिट चार्ज होगा, यूनिट चार्ज यानी 1, तो उस पे वर्क डन कितना होगा, उस पे वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय Q। हो गई बात क्लियर। सो तभी मैंने बोला वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल। अंडरस्टूड, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इसकी बात करें हम, सबसे पहले चलो पहले वाले टर्म की बात करते हैं। डब्ल्यू आर पी ये किसके इक्वल था, ये इक्वल है द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस यूपी माइनस यू आर। तो अगर मैंने डिवाइडेड बाय क्यू किया, So, इधर भी क्यू से डिवाइड करो, इधर भी क्यू से डिवाइड करो, सो दिस इज गिविंग अस एज पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट आर, दैट मीन्स इट इज गिविंग यू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज गिविंग मी द पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये बात क्लियर हो गई। सो हाउ आई कैन डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ आई विल बी एबल टू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सीलरेशन। समझ आया, डेफिनेशन में हमें जो करना है वो क्या करना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना सा आपको फर्क करना है। तो आई विल राइट इट हियर, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज from one point to other point inside an electric field without any acceleration is known as potential difference, is known as
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। अब वही कहानी है, अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो पी पर, मुझे क्या फाइंड आउट करना है पी पर पोटेंशियल, तो मैं क्या करूंगा वर्क डन करूंगा इंफिनिटी से। तो उस केस में वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी डिवाइडेड बाई क्यू शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू यूपी अपॉन क्यू माइनस यू आर अपॉन क्यू। पर ये यू आर किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो गया यूपी अपॉन क्यू, दैट इज इक्वल टू व्हाट बी। सो अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो एट पॉइंट पी पे, तो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट पी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज विदाउट एनी एक्सीलरेशन। तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज व्हाट, सेम यही डेफिनेशन है आप लोग लिखना, और क्या चेंज करोगे, ये जो लिखा है ना ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, तो ये वन पॉइंट जो है इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, वन पॉइंट की जगह पे लिख दोगे इंफिनिटी, क्या लिख दोगे इंफिनिटी। ये डेफिनेशन किसकी होगी, ये डेफिनेशन हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आप क्या लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो ये तो कहानी हो गई हमारी कंसेप्ट समझने की। कंसेप्ट क्या आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट हमको मालूम पड़ गया, हमको पोटेंशियल का भी कंसेप्ट मालूम पड़ गया। पोटेंशियल बेसिक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा व्हेन ड्यू टू अ चार्ज, जब एक चार्ज है उसकी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि मेरे पास में, जैसे हमने वहां किया था, मेरे पास में एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। ओके, इस सोर्स चार्ज से ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट पी पर मुझे फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल कितना है, तो मैं क्या करता हूं इस पॉइंट पी को मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक टेस्ट चार्ज को लेके आना है, और बाद में मैं वो वर्क डन फाइंड आउट कर लूंगा, तो उससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर यूनिट वर्क डन फाइंड आउट कर लूंगा मैं पर यूनिट चार्ज, तो उससे मुझे फाइंड आउट मिल जाएगा कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पी पर। तो ओके, तो लेट अस से दैट देयर इज अ पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं एस कह देता हूं, दिस पॉइंट एस इज वेयर, दिस पॉइंट एस इज एट इंफिनिटी। एक दूसरा पॉइंट मैंने आर यहां लिया, और इनको अगर मैं ओरिजिन पे मान लू कि मेरा ये जो सोर्स चार्ज है ये ओरिजिन पर है, तो इनके पोजीशन वेक्टर्स की मैं बात करूं, तो लेट अस से ये जो पॉइंट आर है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर वन, ये जो पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर है आर टू। ऑलराइट, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इधर देखें, व्हाट विल बी द वर्क डन इन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम आर टू पी। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लें कि आर से पी पर लाने पर कितना काम होगा, तो मुझे मालूम है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस साइन लगा रहा हूं क्योंकि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लूंगा, तो मुझे फॉर्मूला याद है आर टू पी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डी आर। अब लेट अस अज्यूम कि कोई पॉइंट इनके बीच में हम लोग कोई अज्यूम कर रहे हैं, और उसकी जो पोजीशन वेक्टर है, या कोई भी पॉइंट इसके बीच में टी अज्यूम किया मैंने, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर। ऑलराइट, और ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है इट इज गिवन बाय डी आर। तो अगर मुझे आर से पी के ऊपर मैं टेस्ट चार्ज को लेके जा रहा हूं, तो मेरा फोर्स एट पॉइंट टी कितना है,
दैट फोर्स एट पॉइंट टी इज गिवन बाय, सो व्हेन आर, अब मैं पोजिशन वेक्टर की टर्म्स में लिख रहा हूं तो आर की जगह पे मैं क्या लिख दूं, आर वन, क्योंकि इसका पोजिशन वेक्टर कितना है, आर वन है। पी का कितना है पोजिशन वेक्टर, आर टू है, और इस फोर्स को मैं इन टर्म्स ऑफ आर लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स, कि एट फोर्स इज इक्वल टू वॉस के टाइम्स कैपिटल क्यू, और टेस्ट चार्ज मेरा कितना है, टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड द स्मॉल डिस्टेंस कितनी है डी आर। यहां तक क्लियर हुआ? ओके, तो ये के कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है, और स्मॉल क्यू भी कॉन्स्टेंट है, इनको मैंने बाहर लिख दिया। के इज इक्वल टू वॉट, के इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोगों को पता है। ओके, सो माइनस ऑफ के क्यू, ये मैंने बाहर ले लिए। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं, किसका इंटीग्रेशन, वन अपॉन आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू डी आर। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास में आता है आर स्क्वायर, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन आर, कितनी आ जाएगी, क्योंकि आर की पावर कितनी है माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, तो ये मेरे पास में कितना आया, आर की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो इंटीग्रेशन कितना आया, वन अपॉन आर माइनस, ये इंटीग्रेशन करूंगा इसका, वन अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इसका इंटीग्रेशन करने पे मेरे पास में जो आंसर आता है वो आता है के क्यू वन अपॉन आर, वो भी किसका, माइनस का, और वैल्यू कहां से कहां तक, आर वन से आर टू। सो ये माइनस को मैं बाहर ले सकता हूं, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास में वैल्यू क्या आई, फाइनली मेरे पास वैल्यू आई के क्यू वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, या मैं यूं कहूं के अपॉन के क्यू अपॉन अपॉन आर टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं अपॉन आर वन। अब ये क्या है, ये वैल्यू देता है द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये वर्क डन आया था ना, तो ये कितना है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी माइनस, ये क्या बताएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर। यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखो ये रब कर रहा हूं मैं, अगर मैं इस Q को दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, ये Q जो है मुझे हटाना है, कोई मुझे फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल, ये किधर आ गई मेरे पास में, पोटेंशियल एनर्जी आई है, तो अगर मैं इस Q को हटाना है तो दोनों तरफ पर डिवाइड करूं Q से, तो यहां कितना हो जाएगा, डब्ल्यू आर पी डिवाइडेड बाई क्यू, सो दैट विल बी इक्वल टू वॉट, दैट विल बी इक्वल टू यू पी माइनस अपॉन क्यू माइनस यू यू आर अपॉन क्यू, दैट मीन्स वॉट, वी पी माइनस वी आर, सो वी पी वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर टू माइनस के क्यू अपॉन आर वन। अब मुझे फाइंड आउट करना था पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो देखो अगर ये आर पॉइंट को मैं एस पे भेज दूं, व्हेन आर इज टेंडिंग टू एस, दैट मीन्स इट इज टेंडिंग टू व्हाट, इंफिनिटी, एट दैट टाइम आर वन मेरा कहां होगा, आर वन कितना बन जाएगा, आर वन बहुत दूर तक जा रहा है ना, तो आर वन इज विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, जब मेरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आर जब मेरा इंफिनिटी पे जा रहा है, तो मेरा ये आर वन कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, सो आर वन विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, दैट मीन्स वॉट, एट दैट टाइम माई यू आर विच इज इक्वल टू जीरो, तो मैं इसको बोलता हूं यू इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वी आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वी आर की जगह पे क्या हो जाएगा, वी इंफिनिटी। सिमिलरली एट दैट टाइम लेट अस से दैट आर टू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर से, तो अब ये सब इस इक्वेशन में पुट करो, तो मेरे पास में क्या आएगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी, क्योंकि आर की जगह पे क्या ले लिया मैंने, इंफिनिटी ले लिया,
डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू के क्यू आर टू को मैंने आर के इक्वल लिया, जनरलाइज किया, माइनस के क्यू अपॉन आर वन, के क्यू अपॉन आर वन, आर वन कहां है, आर वन किसके इक्वल है, आर वन इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो मेरे पास में ये जो टर्म आई है वन अपॉन इंफिनिटी मीन्स इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, जीरो। सो मैं आई कैन से दैट दिस के क्यू अपॉन आर, दिस के क्यू अपॉन आर विच वॉज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू दिस। तो फाइनली मेरे पास में जो टर्म आई है वो क्या आई है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी इज गिवन बाय के क्यू अपॉन आर, वेयर के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया आपको, दैट मीन्स दैट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल थी, 1 अपॉन आर स्क्वायर के, पर यहां पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल हुआ, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो अब मैं यहां फॉर्मूला लिख लेता हूं, डेरिवेशन आपको समझ आ गया। सो द पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज गिवन बाय के क्यू अपॉन आर को मैं लिखूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन आर, ये है मेरा, दैट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी एट दिस पॉइंट पी, जो पिछले चैप्टर में हमने फाइंड आउट किया था, दैट वाज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट मींस इट वाज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है, तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, किसका ग्राफ, एक ही ग्राफ में दोनों को बताने हैं, वीपी या इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे ग्राफ बताना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इस ग्राफ के अंदर हम दोनों को बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, इधर देखें, सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं वीपी का, तो वो इस तरीके से ग्राफ होगा, फिर मैं बनाऊं ईपी का। तो एक बात याद रखना है आपको, ये क्या है, ये मैंने ग्राफ किसके लिए बनाया, पोटेंशियल के लिए ग्राफ बनाया है, पोटेंशियल के लिए ग्राफ बनाया है, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर स्क्वायर का भी ग्राफ सेम होता है, पर ये ज्यादा जल्दी फॉल करता है, ज्यादा जल्दी फॉल करता है, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से आता है। तो इसको मैं दो कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बेटर रहेगा, आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होता है, सेम है पर ये ज्यादा जल्दी फॉल कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ आता है इन दोनों का। ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे वो समझो, और ये पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट बता रहा है कि आर की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो जब आर की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू 1 है, तो उस केस में बाकी जो क्वांटिटी है इसकी आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1। तो ये जो क्वांटिटी, ये तो सेम है, तो व्हेन आर इज इक्वल टू 1 वी इज इक्वल टू ई, व्हेन आर इज इक्वल टू 1 वी इज इक्वल टू ई। लेकिन जब r ग्रेटर देन 1 है, जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो r की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगी, तो सपोज करें हम, ये है r की वैल्यू 10 और यहां हो जाएगी 10 स्क्वायर इज 100, तो ये है 10 और ये हो जाएगा 100। 100 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जल्दी फॉल करती है, लेकिन पोटेंशियल उसके कम फॉल करेगा, ये बात आपको समझ आएगा। उसकी वैल्यू जो है, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कंपेरेटिव टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी
लेस, उसमें जो फॉल आ रहा है, उसमें जो डिक्रीज आ रहा है, वो कंपैरेटिवली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेसर। लेकिन इसका उल्टा, जब आर की वैल्यू लेस देन वन होगी, आर की वैल्यू जब लेस देन वन है, तो आप यहां लेस देन वन का मतलब है अगर मैंने यहां पॉइंट वन रखा तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट जीरो वन। इसका मतलब पॉइंट वन का मतलब है मल्टीप्लाइंग विद टेन, पॉइंट वन का मतलब है वन अपॉन टेन, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप टेन से। पॉइंट जीरो वन का मतलब है मल्टीप्लाई कर रहे हो हंड्रेड से। तो वन से जब कम होती है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, और जो पोटेंशियल है वो अब जो है पीछे। यहां पर पोटेंशियल ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो ये दोनों का डिफरेंस है। ये जो लाइन बता रही है ये है आर इक्वल टू वन, ये है आर ग्रेटर देन वन एंड आर लेस देन वन। तो आप लोगों को ग्राफ समझ में आना चाहिए, दोनों के ग्राफ कैसे हैं, सेम है, पर कहां पर पोटेंशियल आएगा कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के नीट के अंदर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि एक आईआईटी जेई लेवल का एक क्वेश्चन है, तो वो हम देख लेते हैं कैसा है। टू आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर कोएक्सियली प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ईच अदर। इफ क्यू वन एंड क्यू टू आर द चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द टू रिंग्स, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू अदर। तो क्वेश्चन हम ब्रेक कर लेते हैं तो आसानी से हम लोग उसको समझ पाएंगे। टू आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर आर कोएक्सियली प्लेस्ड। कोएक्सियली मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास पे रिंग है, इस तरीके की रिंग है, ये आइडेंटिकल है, एक दूसरे के बराबर है, तो देखने में बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो इनका रेडियस सेम है, ठीक है। दीज आर टू आइडेंटिकल रिंग्स एंड दे आर कोएक्सियली प्लेस्ड, यानी इनका जो सेंटर है वो एक ही लाइन पर है, यानी वो इस तरीके से रखा हुआ है। अगर एक रिंग है तो मैंने एक रिंग ऐसे रखी है, एक रिंग ऐसे रखी है, और उनके सेंटर से, उनके दोनों के सेंटर से जो है एक एक्सिस पास हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं को एक्सियल, यानी उनकी जो एक्सिस है सेंटर से पास होने वाली वो सेम है, सिंगल है। समझ आया आपको, इन दोनों के एक्सिस कैसी है, कोएक्सियल है। आगे इनकी रेडियस कितनी है, आर, सो इनकी रेडियस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, दे आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ईच अदर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आर है, कितनी है, कैपिटल आर, जितनी इनकी रेडियस है उतने ही इनके बीच में डिस्टेंस भी सेम है, और ये ऐसे रखा है, राइट, ओके। इफ क्यू वन एंड क्यू टू आर द चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द टू रिंग्स, इस पूरे रिंग पर, ये रिंग वन है, ये रिंग टू है, ठीक है, इस फर्स्ट रिंग पर जो टोटल चार्ज है वो है क्यू वन, इस टोटल रिंग पर टोटल चार्ज है क्यू टू। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू द अदर। तो सपोज ये एक सेंटर है ओ और ये है सेंटर इसका ओ डैश, तो यहां एक चार्ज पड़ा है स्मॉल क्यू, इस रिंग वन के सेंटर में एक चार्ज है स्मॉल क्यू, उस चार्ज को मुझे इस रिंग टू के सेंटर पे लेके जाना है, तो कितना काम करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क वी हैव टू परफॉर्म, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर अभी तक जो हमारा कंसेप्ट है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जो हमारा वर्क डन होता है वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, तो मुझे मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, तो इधर अगर मैंने ओ से ओ डैश बोला है सो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ओ टू ओ डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम ओ टू ओ डैश डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज क्यू। अब अगर मुझे मुझसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट द वर्क,
मुझे क्या पूछा है, कितना काम करना है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, द वर्क डन विल बी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, सो इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक हमारा क्लियर हो गई बात, तो मुझे ये फाइंड आउट कर लेना है कि चार्ज कितना है, चार्ज तो Q है, पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना है, तो सपोज करो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो V है और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है V डैश, O पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है V, O डैश पॉइंट पे पोटेंशियल है V डैश। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं देखिए इस पॉइंट O पर कितना पोटेंशियल है, तो मैं यहां फाइंड आउट कर रहा हूं एट पॉइंट O हाउ मच पोटेंशियल इज देयर, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल वी नो दैट द पोटेंशियल इज गिवन बाय के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला था हमारा राइट। तो इस रिंग के कारण कितना पोटेंशियल होगा पहले वो कैलकुलेट करना है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करें, यहां तो चार्ज रिंग आ रही है, आप लोगों ने अभी तक रिंग का तो पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। सपोज करो रिंग के इस पार्ट पर, छोटे से पार्ट पे जो चार्ज है वो है dq, कितना है dq, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, यहां क्या लिखा है आइडेंटिकल थिंग कोएक्सियली प्लेस डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दे आर यूनिफॉर्मली चार्ज, यहां लिखा है ये चार्जेस आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, यानी हर एक पॉइंट पर dq चार्जेस स्प्रेड है ओके। तो इस dq के कारण इस पॉइंट ओ पर कितना पहले पोटेंशियल होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो कितना होगा पोटेंशियल ड्यू टू एट पॉइंट ए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डी क्यू कितना होगा, छोटा चार्ज है डी क्यू उसके कारण इस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर वही रहेगा द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डी क्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये डिस्टेंस है आर, सो के टाइम्स चार्ज की जगह पे क्या लिख दू डी क्यू डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है कैपिटल आर, यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं अब ये आपको पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अब अगर मैं एक छोटा सा और ले लूं एलिमेंट तो ये भी dq है, यहां और लिया तो ऐसे करके मैं बहुत सारे एलिमेंट लेता जाऊंगा तो मेरे पास में कंप्लीटली रिंग आ जाएगी, ये क्लियर हुआ सबको समझ आ रहा है, इस छोटे चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल हुआ k इंटू डी क्यू अपॉन आर, तो अगर मुझे पूरी रिंग के कारण पता करना है तो मैं क्या करूं इसके अंदर दोबारा ऐड करूं डी क्यू प्लस, अगर मुझे पूरी रिंग का फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा इसमें ऐड करते जाऊंगा सारे कंपोनेंट को डी क्यू अपॉन आर एड कर रहा हूं, तो ये सारे डी क्यू जो है वो एड होंगे, तो सभी छोटे छोटे एलिमेंट जो डी क्यू के बराबर थे, छोटे छोटे चार्जेस थे, उन सबको मैं एड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा क्यू वन, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है इस पे क्यू वन है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं के अपॉन आर डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू, इस तरीके से टोटल चार्ज करूंगा तो मेरे को टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा एट पॉइंट ओ विच इज इक्वल टू वी, वी लिया ना मैंने एट पॉइंट ओ, सो इनको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं k इंटू क्यू वन अपॉन आर, तो ये मेरा आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू रिंग वन, अभी तक एक काम हुआ है इट इज एट पॉइंट ओ रिंग वन के कारण, कौन सी रिंग फर्स्ट रिंग के कारण, अभी सेकेंड रिंग का भी तो चार्ज है वो भी तो लेना है, तो ये तो रिंग फर्स्ट हुआ, अब मैं रिंग सेकंड को अगर मैं लूं तो उसी तरीके से छोटे छोटे चार्ज अगर मैं उसके करूंगा तो मुझे इस बार जो डिस्टेंस आएगी, ये रिंग ऐसे रखी हुई है ऐसे रखी, इसका मतलब इसके जो कंपोनेंट है वो सबकी डिस्टेंस कितनी है इस वाली डिस्टेंस के बराबर, अब ये डिस्टेंस कितनी है ये है आर ये है आर, तो पाइथागोरस थ्योरम में यूज कर सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि ये डिस्टेंस आएगी रूट टू इंटू आर, ये आर है ये भी आर है, तो ये कितना होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर उसका रूट, तो रूट टू इंटू आर, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई मेरी रूट टू इंटू आर, तो ये मुझे मालूम पड़ गया ये है मेरी रूट टू इंटू आर, तो सिमिलरली ड्यू टू रिंग टू कितना पोटेंशियल आएगा
वापस मैं यही वाली चीज करूंगा, पर यहां आर की जगह पे क्या ले लूंगा, रूट टू आर, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, के इंटू क्यू टू अपॉन रूट टू आर। ये है टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। तो अब ये V2 और V1 को ऐड कर दूं, तो मुझे अगर पॉइंट O पे फाइंड आउट करना है कि कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट O पे कितना पोटेंशियल है, तो रिंग 1 के कारण कितना पोटेंशियल है, इतना, रिंग 2 के कारण कितना पोटेंशियल आया, इतना, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो पोटेंशियल एट O इज गिवन बाय V व्हिच इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो वो कितना है, K टाइम्स Q1 अपॉन R प्लस K टाइम्स Q2 अपॉन रूट टू आर। K की वैल्यू कितनी है, K आपको पता है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो ये बात क्लियर हो गई, तो ये पॉइंट आ गया मेरे O पे कितना पोटेंशियल होगा। अब देखो ये बात समझ आई क्या, ये रूट टू आर क्यों हुआ, क्योंकि हर एक पॉइंट हर एक एलिमेंट ये ऐसे रखी हुई है रिंग, तो वो उसका डिस्टेंस ओ से कितना होगा, रूट टू आर होगा। तो ऐसे डी क्यू डी क्यू वापस अपन ऐड करेंगे जैसे इसके लिए किया था, पर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ दिस डी क्यू एलिमेंट फ्रॉम दिस, तो रूट टू आर। तो ये वाला टर्म समझ आ गया। इसी तरीके से ओ डैश पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ओ डैश पे टोटल पोटेंशियल है वी डैश, तो वी डैश किसके बराबर होगा, फर्स्ट रिंग के कारण जो पोटेंशियल आ रहा है एंड सेकेंड रिंग के कारण जो पोटेंशियल आ रहा है। तो फर्स्ट रिंग के कारण कितना पोटेंशियल होगा, तो मैं यहां से डिस्टेंस लू, तो ये भी वापस कितनी आएगी, रूट टू आर। तो फर्स्ट रिंग जैसे कि ये फॉर्मूला दिख रहा है, पर यहां पर चार्ज क्या लूंगा अब मैं, क्यू वन, तो इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू वन अपॉन डिस्टेंस रूट टू आर, रूट टू कैपिटल आर। सिमिलरली इस पॉइंट पे इस रिंग के कारण कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू टू डिवाइडेड बाय आर। तो ये आ गया मेरा वी, ये आ गया वी डैश, ये कहां पर है, एट पॉइंट ओ डैश पे, ठीक है, ये कहां पर था, एट पॉइंट ओ, दिस इज एट पॉइंट ओ डैश, दोनों के सेंटर मुझे मालूम पड़ गए। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ओ से ओ डैश के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लूं, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, रब कर दूं मैं इसको, ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस will be equal to final minus initial, तो final कितना है, V dash, इस जगह पे जो potential है, minus initial potential कितना है, V, V dash अभी मैंने find out किया था, कितना था, K times first ring के कारण Q1 upon root 2R plus K times Q2 upon R, alright, minus इस जगह पे पोटेंशियल कितना है इस रिंग के कारण, K टाइम्स Q1 अपॉन R प्लस K टाइम्स Q2 अपॉन अंडर रूट टू आर। यहां तक क्लियर है, देखो अब K ये सिमिलर टर्म्स ले लेते हैं, R और R, तो इन दोनों के लिए टर्म्स मैंने लिया, K K कॉमन है, अपॉन R माइनस आ रहा है बीच में, Q2 माइनस Q1, तो इधर क्या लिख दूं, Q2 माइनस Q1, ऑल राइट, प्लस अब मैं रूट टू आर वाली टर्म्स ले रहा हूं, रूट टू आर वाली टर्म्स ले हूं, तो उसमें K अपॉन रूट टू आर ये कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, यहां तक क्लियर हो गया, ओके, तो इस जगह पे अब मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह कम है, कोई बात नहीं, तो इधर देखें, K अपॉन R, K अपॉन रूट टू आर, ये Q2 माइनस Q1 है, ये Q1 माइनस Q2 है,
तो इनको सेम बनाने के लिए मैं इस जगह पे क्या यूज कर सकता हूं, इस जगह पे मैं यूज कर सकता हूं माइनस का, ठीक है। जब मैंने ये माइनस का साइन यहां यूज किया तो ये हो जाएगा मेरा Q2 माइनस Q1, ऑलराइट। तो अब मैं यहां लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू K अपॉन ये Q2 माइनस Q1 कॉमन ले लिया, K भी कॉमन लिया और Q2 माइनस Q1 कॉमन लिया, नीचे से R दोनों में कॉमन आ रहा है तो R भी मेरे पास में कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा, पीछे यहां से बचा 1 माइनस और इस जगह से क्या बचा 1 अपॉन रूट 2, तो इस जगह पे लिखा मैंने 1 अपॉन रूट 2, ऑलराइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास में इतना आ गया। अब मुझे अगर वर्क डन फाइंड आउट करना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, Q से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको मैं Q से मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है Q, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये मैंने फाइंड आउट किया हुआ है तो मेरे पास में आंसर है Q इंटू के, के को मैं इधर लिख रहा हूं, Q2 माइनस Q1 अपॉन R ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू। अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहां डिनोमिनेटर में एलसीएम आपने रूट टू लिया तो इस जगह पे आ जाएगा रूट टू और ऊपर आ जाएगा आपके पास में रूट टू माइनस 1, तो रूट टू को आप इसके साथ में लगा दो रूट टू यहां आ गया तो यहां आपके पास में मिलता है आपको रूट टू माइनस वन, ठीक है। और k की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो k की वैल्यू आपके पास में आती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास में कितना आया वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q देन q2 माइनस q1 अपॉन रूट टू इंटू आर रूट टू माइनस 1। तो ये मेरा आंसर है। बेसिकली कंसेप्ट जो मुझे क्लियर रखना है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज माय वर्क डन, कंसेप्ट नंबर वन। कंसेप्ट नंबर टू, अगर ये रिंग है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो स्केलर लेते हुए आप ऐड करोगे पोटेंशियल, आपको इस जगह पे कैलकुलेट करना है तो इन सबको ऐड करना है, फिर ये वाली रिंग है इसका भी ऐड करना है तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा वो लेना है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहां आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।